तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर मीडियन, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं और हम हिंदी में बोलते हैं इसको माध्यिका। सेम यहां पर भी तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, देन उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन आ जाएगा आपका कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज ठीक है, यहां पर सिर्फ x की वैल्यू आती है, यहां पर x और f, और यहां पर आता है आपका x f एंड देन क्लास इंटरवल जो मैंने आपको बताया था। सेम वही इंडिविजुअल सीरीज का मतलब मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। यहां पर जब आपको निकालना होगा माध्य, तो m बराबर यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि ये n जो है वो इवन है या फिर ओड है। इवन का मतलब होता है सम संख्या और ओड का मतलब होता है विषम संख्या। हम जानते हैं सम का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टू, जिस संख्या में दो का भाग जाता है वो सम होती है और जिसमें दो का भाग नहीं जाता वो विषम होता है। यानी कि सम में आपका क्या हो गया, दो चार छ आठ दस, इस तरह से जो वैल्यूज होती है। इवन ओड का मतलब क्या हो गया, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ये सब किस में आ जाएगा आपका, दैट इज ओड कैटेगरी आ जाएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं अगर नंबर क्या है आपके, ओड है, क्या है ओड, इसलिए बता रहा हूं इजिली समझ में आ जाएगा। ओड नंबर है तो वहां पर m का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस वन टर्म जो आपका आने वाला है यहां पर, साइज ऑफ n प्लस वन डिवाइड बाय टू, वो हम लोगों को यहां पर देखनी होगी। अगर मैं बात कर दूं यहां पर इवन नंबर की, तो m बराबर आ जाएगा साइज ऑफ n टर्म डिवाइड बाय टू प्लस साइज ऑफ n प्लस वन डिवाइड बाय टू टर्म होल डिवाइड बाय टू। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बताता हूं। यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी वैल्यू आपकी x की दे रखी होगी उस x की वैल्यू को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि जो भी वैल्यू दे रखी होगी x की उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको एक बार जमाना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी नंबर से आपके, वो नंबर आपका अगर ओड है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और इवन है तो ये वाला नंबर लगेगा। उसके बाद जितने भी नंबर है, जो n नंबर जो है, भले वो टोटल 5 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है, 11 वैल्यूज है, वो देख लेंगे 11 वाला हुआ तो ओड में लग जाएगा, 10 वाला हुआ तो ये वाला फॉर्मूला आपका जो है वो लग जाएगा। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी, हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और यहां पर सिर्फ x की वैल्यू आपको दे रखी होगी। जब मैं दूसरी बात करता हूं यहां पर डिस्क्रीट सीरीज की, यहां पर क्या होगा, आपको सबसे पहले कैलकुलेट सीएफ। सीएफ का मतलब ये होता है आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको प्लस 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 करते हुए जाना है, तो आपकी एक सीरीज आपकी जो बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपको n बाय टू ये करना होगा। यानी कि यहां पर सीएफ का मतलब हिंदी में होता है संचयी बारंबारता। n बाय टू का मतलब क्या है, जो भी f दे रखा है उसका समेशन f करेंगे, समेशन f डिवाइड बाय टू, ये जो भी आया है उससे जस्ट बड़ी हायर। हम लोग क्या देखेंगे, CF, उस CF जो निकलेगा उसके सामने जो x की वैल्यू है, उसके सामने कौन सी वैल्यू है, x की वैल्यू, वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन।
ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे इसके अंदर एन बाई टू, एन बाई टू का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी देती है उसकी टोटल डिवाइड बाई टू करेंगे, उससे ठीक बड़ी जो सी एफ आने वाली है उसके सामने जो एक्स की वैल्यू है वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन जो है वो कहलाएगा। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। यस, उसके बाद अगर हम लोग लास्ट वाले जो कंसेप्ट की बात करें, जो लास्ट में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लास्ट के अंदर हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। एन बाई टू का मतलब मैंने पहले भी बताया, एन बाई टू का मतलब होता है समेशन एफ डिवाइड बाय टू। सी का मतलब होता है यहां पर लोअर सी एफ, लोअर सी एफ या फिर मैं लिखूं जस्ट प्रसिडिंग सी एफ ऑफ एन बाई टू वैल्यू, वो हम लोगों को यहां पर लेना है। उसके बाद अगर मैं एल वन की बात करूं तो ये आएगा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की जो लोअर वैल्यू ऑफ एक्स की जो माध्यिका वर्ग है उसमें निम्न सीमा, जो हम लोग क्या कहेंगे मीडियन क्लास की जो लोअर वैल्यू है वो हम निम्न सीमा उसको बोल देंगे। सी मैंने बताया फ्री एफ का मतलब होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और आई का मतलब मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवेल, वर्ग अंतराल, यानी कि लोअर और अपर वैल्यू, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में जो गैप है वो यहां पर आने वाला है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखिए, इस तरह से हम लोग क्या है हम कंटिन्यू सीरीज में भी मीडियन निकाल सकते हैं। ये सब चीजें मैं फटाफट इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपको ये थोड़ा बहुत नॉलेज है, बिकॉज आपने ये 9th 10th के अंदर भी जो है वो पढ़ा है, इवन आप जो कॉलेज में है वो भी आप पढ़ोगे। तो एक तरह से स्टेट्स का जो पोर्शन है वो 9th 10th से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, आगे भी आप पढ़ोगे। और अभी मैं 11th वाले बच्चों के हिसाब से जो है ये जो वीडियो है बना रहा हूं तो उसी हिसाब से आपको देख के चला, इवन आप अगर 9th 10th की क्लास के अंदर भी है तो भी यही वाले फॉर्मूले जो है वो काम में आपके आने वाले, क्योंकि फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होते, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है लेकिन फॉर्मूला जो है वो सेम रहते हैं। और एक चीज मैं पहले ही बताया था, स्टेट्स या मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वहां रटना नहीं होता, समझना होता है कि कौन सी चीज कैसे है। इवन फिजिक्स के अंदर भी डेरिवेशन आते हैं उनको समझना होता है ताकि आप लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे। तो मैं भी यहाँ पर आपको हर चीज क्लियर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्या है हर चीज क्लियर हो जाए। या असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम में, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये सभी फॉर्मूले जो है मैंने इसके बता दिए आपको, मीडियन के यहां पर बता दिए हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक जो इसके अंदर बचता है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, वो बचता है स्टेट्स के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी लास्ट में बढ़ता है, जो बढ़ता है आपका मोड वाला। तो हम अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे इसके अंदर मोड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। यस, तो हम बात करेंगे यहां पर मोड जो है बहुलक, इसमें भी सेम तीन सीरीज आपकी होती है इंडिविजुअल, देन उसके बाद डिस्क्रीट, एंड देन उसके बाद आपका होता है कंटिन्यू सीरीज, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। सेम यहां पर एक्स और एफ, और यहां पर आपका आ जाएगा एक्स एफ और
क्लास इंटरवल। इसके अंदर तो जो मोड का मतलब होता है, मोड को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, तो जेड का मतलब होता है जिस एक्स के मान की रिपीटेशन ज्यादा है वो एक्स का मान बहुलक कहलाएगा। मतलब दोज एक्स वैल्यू हैव मोर रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मोड वैल्यू। जिस एक्स का मान सीरीज में बार बार रिपीट हो रहा है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार, मतलब जो एक्स का मान सबसे ज्यादा बार सीरीज में रिपीट होगा वो ही मान आपका क्या कहलाने वाला है, मोड कहलाने वाला है। वो वैल्यू जो सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा बार रिपीट हुई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। अगर मैं एक्स और एफ की बात करूं तो यहां पर जेड का मतलब क्या होता है, जिस एक्स की वैल्यू में बारंबारता ज्यादा है वो वैल्यू मोड बहुलक होगी। दोज एक्स वैल्यू हैव मोर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मोड, दैट इज इट। मतलब जिस एक्स की वैल्यू की बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि एक्स एफ दे रखा है तो किसी एक्स के मान की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दे रखा है सीरीज में, तो जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो एक्स की वैल्यू को क्या कहलाएगा, आप लोग मोड कहेंगे। अब थर्ड की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप कैसे निकालोगे जेड, एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन एफ टू माइनस टू एफ वन माइनस एफ टू टू एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू इंटू आई। यहां पर आएगा एफ वन का मतलब होता है मोड क्लास, और मोड क्लास हम किसको बोलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। एफ जीरो का मतलब होता है जस्ट प्रोसीडिंग द मोड क्लास, मतलब बहुलक वर्ग के पहले वाली बारंबारता। और F2 का मतलब होता है जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, मॉडल वर्ग के पहले की बार, यस यहां पे क्या आ जाएगा, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ये आपका हो जाएगा F2। I का मतलब सेम क्लास इंटरवल जो मैंने पहले भी अभी तक आपको बताते हुए आ रहा हूं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये वाली जो चीज है वो I आ जाएगा, जो आपका लोअर हावर हायर के बीच में जो गैप होगा L1 व L2 के बीच का अंतर, ठीक है, गैप बिटवीन L1 एंड L2, ये आ जाएगा इसके अंदर, मॉडल क्लास के अंदर आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहां मोड भी पढ़ा, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा है, डिस्क्रीट में पढ़ा, कंटीन्यूअस में पढ़ा है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा है।
तो बच्चों यहां पर मैंने अभी आपको मोड, मीन, मोड, मीडियन और मोड तीनों के फॉर्मूले बताए हैं, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज भी बताई, डिस्क्रीट बताई और कंटिन्यूस भी मैंने आपको बताइए, इवन कंबाइंड मीन भी मैंने आपको बताया, वेटेड मीन भी बताया, करेक्ट मीन कैसे निकालते वो भी बताया था। मेरा पूरा ये विचार था कि मैं पूरी जो वीडियो है वो पूरी बनाऊं, पूरे स्टेट्स के जो आपके फॉर्मूला है वो लिखूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपका मीन का ही है, मीन, मोड और मीडियन ही कवर करूंगा, तो ये मैंने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इंडेक्स नंबर, उसके साथ साथ कोरिलेशन के जो फॉर्मूले है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो आप मेरी वीडियो के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करते रहे, और इवन आपका नोटिफिकेशन अगर हो नहीं तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि मेरी नई वीडियो जो है वो इंडेक्स नंबर पे भी आ गई और कोरिलेशन पे भी आ गई है, तो थोड़ी वीडियो ठीक रहेगी, बाकी ये बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया है मीन, मोड और मीडियन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आराम से और पूरा डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आप शेयर करें, भले वो हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम हो, ताकि ये हेल्प मिल जाएगी फॉर्मूले एक साथ जो अपने को याद करने के लिए। और ज्यादा से ये रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाए, और इसी तरह से अगर आपका प्यार मिलता रहा मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। आपका अपना अभिनाश सिंह।